नाम बताइए अपना। गौरी श्रीवास्तव। हाँ गौरी जी, आज 10th क्लास का रिजल्ट पास आउट हुआ है, तो कैसा रिजल्ट रहा है आपका? मेरा बहुत अच्छा रहा है, मैंने 97.6% हासिल की है। आज कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 बी ब्लॉक यमनविया। आज आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरी टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी प्रिंसिपल मैम को, जो मुझे रोज मोटिवेट करती थी, उनका ही सपोर्ट है कि मैंने आज इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल की है। गौरी, पिछले 3 महीने से पूरा देश हमारा डिस्टर्ब है कोरोना के चलते, स्कूल भी बंद रहे, ऐसे में काफ़ी चैलेंज रहा होगा पढ़ाई करना। हाँ सर, पर मैं रोज़ 7 to 8 hours तब भी पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे 97 इससे ज़्यादा भी परसेंटेज का मुझे था कि मुझे इससे ज़्यादा परसेंटेज आए, तो मैंने रोज़ मेहनत करती थी मैं इसके लिए। आगे क्या प्लानिंग है? सर मुझे IITN बनना है, मैंने इसके लिए IIT कोचिंग्स भी ज्वाइन कर रखी हैं, और मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है IIT कॉलेज से। नाम बताइएगा अपना। रंजना श्रीवास्तव। हाँ रंजना जी, आज बेटी का रिजल्ट पास आउट हुआ है, बहुत अच्छे मार्क्स बेटी लाई है, 97.6 नंबर आए हैं। हाँ जी सर, क्या कहना है आपका? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया और उसी का नतीजा है। रंजना जी, जैसे पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इसके बाद स्कूलों को दिल्ली सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया था। हाँ जी, इसमें काफ़ी चैलेंज रहा होगा बेटी के लिए, आपके लिए पढ़ाई कर पाना, तो कैसे मैनेज कर पाए? बहुत ज़्यादा मैनेज किया, बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उसी के नतीजे हैं कि ये इतने अच्छे परसेंटेज से पास हुए। तो ऐसे पेरेंट्स जो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके मार्क्स कम रहे हैं, क्या मैसेज? मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, स्कूल है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इन लोगों का भी ध्यान होना चाहिए बच्चों पर, और बच्चे मेहनत करते रहें।